बस पार्ट थर्ड में अब कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स को देखना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने प्रिंसिपल्स और फार्मूलास स्टडी किए थे। अब आपने इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेड इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एंड वाई इज इक्वल टू वन। नाउ द फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इट विल कम आउट रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट फोर एंड फाइनली टू विल कम आउट आंसर। सिमिलरली फॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा एंड इट्स फॉर्मूला इज टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। So that will come out tan inverse 1 upon under root 3 and it is the value of tan 30. So answer will come out pi by 6. So ek aapka, it is first type of question. Then after that one question may be from the multiplicative inverse. Write the multiplicative inverse minus 1 plus root 3i. So first thing is that pehla method to ye ho sakta hai that we have to divide the रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कॉफिशियंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें और यह इसको हम पूरे को कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इट मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन प्लस रूट थ्री आई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई माइनस वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर। तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन फोर और वी कैन राइट इट माइनस वन अपॉन फोर माइनस रूट थ्री अपॉन फोर इंटू आई। और ऑल्टरनेटिव मेथड एक ये भी हो सकता है कि दैट जो हमारे पास नंबर था उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर हमारे पास है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब अगर हमें लिखना है तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, तो वन अपॉन माइनस वन प्लस रूट थ्री आई हो जाएगा। और अब इसे हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंजुगेट विल बी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई होल स्क्वायर एंड विल कम आउट वन इंटू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। तो फाइनली वी विल गेट माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन
वन माइनस थ्री आई स्क्वायर इज अगेन माइनस वन, तो दैट विल बी द फोर। तुम देख रहे हैं वही आंसर आ रहा है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन फोर, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, माइनस वन अपॉन फोर माइनस रूट थ्री अपॉन फोर आई। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी, दैट वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज क्वेश्चन आपका एक है, प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये आपको प्रूव करना है। इसमें जो फार्मूले आपके हैं, दैट फार्मूला विल बी सेम जो अभी पीछे हमने डिस्कस किए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। With the help of these two relations, you have to calculate it. You have to prove it. अब इसमें left hand side हम देखते हैं, that is the 1 plus omega whole cube minus 1 plus omega square whole cube. अब इसको हम substitute करेंगे omega के form में, easy form में। तो यहां पर हम देखते हैं 1 plus omega की value minus omega square हो जाएगी इस relation से। तो यहां पर हम minus omega square whole power 3 कर देंगे, और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल बी द माइनस ओमेगा, इस माइनस ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर 6 एंड इट विल बी माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। नाउ माइनस ओमेगा 6 कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा क्यूब स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी माइनस वन प्लस वन एंड द रिजल्ट विल कम आउट जीरो विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को प्रूफ करना होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूफ दैट फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस फाइव ओमेगा स्क्वायर वन प्लस फाइव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहां पे भी हमें प्रूफ करना है और सेम आइडेंटिटीज विल बी यूज्ड हियर। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम अपने तरीके से लिखते हैं। यहां पे क्या है, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस 5 को हम ब्रेक कर लेंगे, दैट विल बी द 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले फैक्टर को देखते हैं और इसको भी उसी तरह से ब्रेक करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नॉर 4 ओमेगा विल बी लेफ्ट हियर, इसको अलग लिख लेते हैं। और इसी तरह से लास्ट वाले में देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और 4 ओमेगा स्क्वायर को अलग कर देते हैं। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इट्स वैल्यू इज 0। जब इनकी वैल्यूज को हम जीरो पुट करेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा दैट विल बी द 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर,
और नाउ इट विल बी 64 ओमेगा क्यूब. नाउ ओमेगा क्यूब इज अगेन 1, तो दैट विल बी द 64. इट इज द राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर फाइव इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे. व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव वी हैव टू इंट्रोड्यूस द इमेजिनरी नंबर. उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशन ix स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो यू हैव टू यूज द धराचार्य फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू दैट x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो दैट विल बी इक्वल टू बी इज माइनस 1, तो ये आपका माइनस ऑफ माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 ए इज इक्वल टू आई एंड सी इज इक्वल टू 12 आई अपॉन 2 ए. दैट विल बी इक्वल टू द 2 आई. नाउ सिंप्लीफाई इट, तो दैट विल कम आउट 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर विल प्लस एंड इट विल बी 48 आई स्क्वायर अपॉन 2 आई. नाउ वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इट विल बी पॉजिटिव. तो दैट विल कम आउट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 अपॉन 2 आई एंड फाइनली we will get 1 plus minus 49 square root is 7 upon 2i. Now you have to take, one time you have to take the positive sign and other time negative sign. Taking both the signs, x ke mein values milengi. X is equal to 1 plus 7 upon 2i and similarly it will be 1 minus 7 upon 2i. So that will be equal to the 8 upon 4i means 8 upon 2i, that is 4 upon i, and it will be equal to minus 3 upon i. Now you have to multiply by i, क्योंकि upon में i को हम नहीं लिखते हैं, numerator में ही लिखते हैं. So that will be equal to the 4i upon i square minus 3i upon i square. Now i square is minus 1, so that will be equal to the माइनस 4i एंड इट विल बी इक्वल टू द 3i. तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर. क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम. इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है और कंपटीशन में स्पेशली आ जाती है. यहां पे क्या है, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy, where x and y are the real numbers, and omega is equal to 1 minus iz upon z minus i. Show that amplitude of omega is 1 and implies that z is purely real. साथ में यह भी प्रूफ करना है कि z जो होगा that will be the purely real. तो यहां पे जो कंडीशन गिवन है इसी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ओमेगा आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज 1, तो इसको यूज करते हुए ये वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इज इक्वल टू 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट विल कम आउट 1 माइनस आई जेड
इज इक्वल टू जेड माइनस आई विद देयर एम्पलीट्यूड्स। अब इनका एम्पलीट्यूड लिखने के लिए हमें पहले जेड को जो एक्स और वाई के फॉर्म में है इसको यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो दैट विल बी द इक्वल टू वन माइनस आई एक्स प्लस आई वाई। सिमिलरली यहां पे भी आप लिख लेंगे एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। अब इसको हम एक फॉर्मेट में लिखेंगे जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, तो उस तरह से लिखने पे ये आपका वन माइनस एक्स आई माइनस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो वन प्लस वाई विल बी द रियल पार्ट। इसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे और यहां पे हम देखते हैं एक्स प्लस आई कॉमन ले लेंगे दैट विल बी द वाई माइनस वन, तो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई और इसको भी हम आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन करेंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा और ये वन प्लस वाई एक पास हो जाएगा दैट विल बी द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वन प्लस वाई माइनस एक्स आई। सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू द एक्स प्लस आई वाई माइनस वन। अब यहां पे इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो वन प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर कर देंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, वन वन प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू द वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और ये आपके टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन विल बी कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली द रिजल्ट विल कम आउट फोर वाई इज जीरो, सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू जीरो। और जब वाई जीरो आ जाएगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, व्हेन द वाई इज जीरो देन जेड विल बी इक्वल टू द एक्स, इट मींस जेड इज प्योरली रियल, व्हिच इज प्योरली रियल।